हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केसरवानी अकेडमी। अब नेक्स्ट टॉपिक है सोलर कलेक्टर। सोलर कलेक्टर्स किसे कहते हैं, तो आप लोग सोलर कलेक्टर्स की डिफिनेशन क्या बताएंगे एग्जाम में। पहला पॉइंट देखिए क्या है कि सोलर कलेक्टर्स का हम लोग यूज करते हैं सोलर एनर्जी को कलेक्ट करने के लिए, और इस सोलर एनर्जी को फिर हम लोग एब्जॉर्ब करने के बाद इसे कन्वर्ट कर देते हैं थर्मल एनर्जी में। तो आपको ये पहले पॉइंट में बताना है। सेकेंड पॉइंट देखिए क्या है, सोलर एनर्जी से जो हमें थर्मल एनर्जी मिली हुई है उस थर्मल एनर्जी का हम लोग यूज करते हैं कलेक्टर फ्लूइड को गर्म करने के लिए। और कलेक्टर फ्लूइड के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, वाटर, ऑयल, एयर, ये आपकी कलेक्टर फ्लूइड के अंदर ये सब चीजें आती हैं, और भी चीजें होती हैं एटसेट्रा। ठीक है, अब देखिए कि सोलर कलेक्टर्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो आप लोग बताएंगे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोलर कलेक्टर। पहला हो गया नॉन कंसंट्रेटिंग, सेकंड हो गया कंसंट्रेटिंग। ऐसे ही आप लोग बताएंगे कि नॉन कंसंट्रेटिंग जो है दो टाइप्स के होते हैं। पहला हो गया फ्लैट प्लेट कलेक्टर, दूसरा हो गया इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर। अब ऐसे ही आप बताएंगे कि कंसंट्रेटिंग कलेक्टर्स कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। पहला हो गया पॉइंट फोकस और सेकंड हो गया लाइन फोकस। आपको ये पॉइंट लिखना है एग्जाम में और ये आपको डायग्राम भी बना के आना है। चलिए देखिए, अब टाइप्स देखिए सोलर कलेक्टर के। पहला आपका होता है नॉन कंसंट्रेटिंग कलेक्टर्स। अब आप लोग इसकी डिफिनीशन में क्या बताएंगे कि नॉन कंसंट्रेटिंग कलेक्टर जो है सरफेस एरिया रखता है, जिसका यूज हम लोग सन से मिलने वाली हीट है उसको एब्जॉर्ब कराने के लिए करते हैं। ठीक है, और फिर इसको हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं, इस हीट को ट्रांसफर कर देते हैं वर्किंग फ्लूइड में। ये आपको इसकी डिफिनीशन में बताना है। अब टाइप्स देखिए आपको कितने बताने हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ नॉन कंसंट्रेटिंग कलेक्टर। पहला होता है आपका फ्लैट प्लेट कलेक्टर और सेकेंड होता है इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर। अब देखिए इनकी मेरिट्स एंड डिमेरिट्स क्या बताएंगे। मेरिट्स एंड डिमेरिट्स का क्या मतलब है कि एडवांटेज क्या होते हैं और डिसएडवांटेज क्या होते हैं। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखिए, पहला आप क्या बताएंगे कि फ्यूल कॉस्ट इज फ्री। ठीक है, मतलब आपको इसके सेटअप लगाने के लिए, इसको स्टार्ट करने के लिए आपको फ्यूल की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग ये पहले पॉइंट में बता सकते हैं। सेकंड देखिए क्या है, फ्री एनर्जी ऑफ द सन इज डायरेक्टली यूज्ड। हाँ, आप लोग ये सेकंड पॉइंट सबसे बढ़िया है कि जो सन से हमें एनर्जी मिल रही है, सोलर एनर्जी मिल रही है, वो बढ़िया आराम से हम लोग उसे डायरेक्टली यूज कर पा रहे हैं। ठीक है, हमें कोई भी इधर उधर के इक्विपमेंट की जरूरत नहीं पड़ रही है उस एनर्जी को लेने के लिए। हमें डायरेक्ट मिल रही है सन की एनर्जी, जिसका हम लोग यूज आराम से डायरेक्ट कर पा रहे हैं। थर्ड क्या बताएंगे आप लोग, पॉल्यूशन फ्री। पॉल्यूशन फ्री होता है जब इस कलेक्टर्स का हम लोग यूज करते हैं नॉन कंसंट्रेटेड कलेक्टर का, तो ये पॉल्यूशन जो है बिल्कुल भी नहीं देता है, पॉल्यूशन फ्री होता है। अब देखिए डिसएडवांटेज क्या होते हैं नॉन कंसंट्रेटिंग कलेक्टर के। पहला आप लोग डिसएडवांटेज क्या बताएंगे, लिटिल कॉस्टली। ठीक है, लिटिल कॉस्टली का क्या मतलब है कि जब आप लोग इसका इक्विपमेंट जो है लेते होंगे, लगाते होंगे इसका इंस्टॉलेशन के टाइम में, ठीक है, तो वो जो है थोड़े बहुत महंगे मिलते होंगे। ठीक है, तो वही आपको बताना है कि लिटिल कॉस्टली होते हैं इसके इक्विपमेंट। सेकंड क्या बताएंगे आप लोग, द इंस्टॉलेशन रिक्वायर्स स्पेस। आप लोग बताएंगे कि नॉन कंसंट्रेटिंग कलेक्टर्स का जब हम लोग इंस्टॉलेशन करते हैं, मतलब जब इसको हम लोग सेटअप करते हैं किसी जगह पे, ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा हमें जगह की जरूरत पड़ती है इसको, इसका सेटअप करने के लिए, इसको इंस्टॉल करने के लिए वहां पे। इंस्टॉल का मतलब ये नहीं कि कंप्यूटर से आप समझ रहे हैं इंस्टॉल कर रहे हैं हम लोग कोई चीज, ऐसा कुछ नहीं है। इंस्टॉल का मतलब इसको सेटअप कर रहे हैं, समझ लीजिए कि एक जगह पे हम लोग इसको बना रहे हैं, तो वहां पे जब इसको बनाएंगे तो वहां बहुत ही लार्ज अमाउंट में हमें जगह चाहिए होगी इसको सेटअप करने के लिए। तो ये आपके आते हैं नॉन कंसंट्रेटिंग कलेक्टर के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। देखो दूसरा टाइप कौन सा होता है, कंसंट्रेटिंग कलेक्टर्स। आप लोग कंसंट्रेटिंग कलेक्टर्स में क्या बताएंगे कि एक ऐसा सोलर कलेक्टर होता है जिसमें हम लोग रिफ्लेक्टिव सरफेस का यूज करते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्टिव सरफेस का यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं इसका, क्योंकि जो है हम लोग सनलाइट को एक छोटे से एरिया में कंसंट्रेट कर सकें, जहां पे वो सनलाइट को हम लोग एब्जॉर्ब कर सकें और उन्हें कन्वर्ट कर सकें हीट में। ठीक है, अगर इन केस हम लोग सोलर फोटोवोल्टाइक में डिवाइसेस में हैं, तो वो जो है सनलाइट जो है हमारी कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिसिटी में। तो ये आपकी डिफिनेशन हो गई कंसंट्रेटिंग कलेक्टर्स की। अब इसके टाइप्स कितने होते हैं, दो टाइप्स का होता है। ठीक है, पहला होता है पॉइंट फोकस्ड और दूसरा होता है लाइन फोकस्ड। मेरिट्स एंड डिमेरिट्स क्या बताएंगे, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या बताएंगे आप लोग कंसंट्रेटिंग कलेक्टर के, कि पहला आप लोग ये बताएंगे कि फ्यूल कॉस्ट फ्री होता है ये। ठीक है, फ्यूल कॉस्ट नहीं लगता है इसको स्टार्ट करने के लिए। सेकंड क्या बताएंगे, पॉल्यूशन फ्री होता है और ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट से भी ये फ्री होता है, इससे ग्लोबल वार्मिंग भी नहीं होती है किससे, कंसंट्रेटिंग कलेक्टर से। अब
डिसएडवांटेज देखिए क्या है, हाई कॉस्ट, ठीक है, हाई कॉस्ट बताएंगे इसका। जब इंस्टॉलेशन होता है, सेटअप लगाया जाता है, तो ये हाई कॉस्ट होता है, इसके इक्विपमेंट जो है काफी हाई कॉस्ट में आते हैं, ठीक है। सेकंड देखिए क्या बताएंगे, वाइल्ड लाइफ इफेक्ट। हाँ, जब ये प्रोसेस किया जाता है कंसंट्रेटिंग कलेक्टर्स का, तो वाइल्ड लाइफ के जीवन में काफी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, उनपे उनके जीवन में काफी ज्यादा इम्पैक्ट जाता है, उनकी लाइफ में काफी ज्यादा इम्पैक्ट जाता है। ये जो इम्पैक्ट जो है कैलिफोर्निया में देखा गया है, जब ये प्रोसेस किया जाता है कंसंट्रेटिंग कलेक्टर्स का, ठीक है, वहां की वाइल्ड लाइफ जो है काफी बेकार होती जा रही है, इसका यूज जब भी किया जाता है, तो ये इसका एक मेन डिसएडवांटेज है। यहाँ पे आप लोग इसको मेन कर लीजिए, स्टार मार्क कर लीजिए, ये आपका मेन डिसएडवांटेज है, वाइल्ड लाइफ इफेक्ट, ठीक है। तो बस इतना ही है आपका कंसंट्रेटिंग कलेक्टर्स में। तो थैंक यू गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।